जैसा कि आप ये पेंटिंग देख रहे हैं और आम लोगों के लिए ये शायद समझ में नहीं आए कि ये क्या बना हुआ है क्या है ऐसा क्यों बनाया गया है लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ ये मैंने ग्रामीण परिवेश को इसमें बनाया है एक छोटे से अंश को उसमें दिखाने की कोशिश की है ये एक ह्यूमन फिगर है और उसके अंदर डिफरेंट इमोशंस हैं ये अलग अलग इमोशन है हमारे अंदर बहुत तरह की चीज़ें घटते बढ़ते रहती है वो वो सारे इमोशंस हैं ग्रामीण परिवेश का गाय है इसमें इसमें उड़ता हुआ आदमी है उड़ता हुआ आदमी कहने का मतलब हमारा मन जो उड़ता है हम एक पॉजिटिव वे में जाते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं सबकी इच्छा होती है वो है पास में हमने एक बकरी बनाया है यहाँ पे जो ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है और यहाँ पे हमने तीन फिगर बनाया है तीन अलग फिगर बनाया है जिनकी अलग अलग तरह की सोच है वो हमने यहाँ पे दिखाया है ये कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ को किसी भी विषय को आप कितने सिंबॉलिक वे में आप उसको आप आप कितने सिंबॉलिक वे में आप चीज़ों को आप रखते हैं यही एब्स्ट्रैक्शन है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग इसी को एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बोलते हैं कम से कम चीज़ों में उसकी जो भाषा है वो आप बदल देते हैं वही एब्स्ट्रैक्शन है